प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम अपना पत्र लेखन करेंगे। इससे पहले हमने प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए पत्र लिखा था। आज हम अनौपचारिक पत्र लिखेंगे। अनौपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है? आपको पता है, हम अपने मित्रों को या रिश्तेदारों को जो पत्र लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। तो आज हम लिखेंगे एक अनौपचारिक पत्र। तो आज हमारा पत्र रहेगा अपने जन्मदिन पर सखी को बुलाने के लिए या अपने मित्र को बुलाने के लिए पत्र लिखेंगे। तो हम मित्र करेंगे, क्योंकि आजकल मित्र दोनों के लिए प्रयोग में किया जाता है। अब इसमें कोई लिंग या का बंधन नहीं रहा है, कॉमन जेंडर की तरह इसका यूज़ किया जाता है। तो अपने जन्मदिन पर मित्र को बुलाने के लिए आप पत्र लिखेंगे, तो ये अनौपचारिक पत्र है, क्योंकि मित्र हो गया या फिर रिश्तेदार हो गया, उनको जो भी पत्र लिखा जाता है वे सब अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, अपने जन्मदिन पर सखी को, हम रहेंगे मित्र को बुलाने के लिए पत्र लिखें। तो पत्र हम लिखेंगे। तो ये हमारा प्रश्न भी आपको समझ आ गया कि हम पत्र जो है वो लिखेंगे किसको? अपने मित्र को बुलाने के लिए। तो मित्र आपका, आपकी सहेली भी हो सकती है या आपके पड़ोस में रहने वाला कोई भी हो सकता है, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे आपके कक्षा में सहपाठी हो, वे सभी मित्र में आएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पत्र लिखेंगे, तो पहले हम कहेंगे पता लिखा जाता है जिसको कि हम पत्र भेज रहे हैं। तो हमारा पता है, मान लेते हैं कि वह 126/4 सदर बाजार प्रयागराज उत्तर प्रदेश इसके बाद हम दिनांक या तिथि लिखते हैं। तो पहले पता हो गया जगह का नाम, फिर उत्तर प्रदेश, कहीं भी हमें अल्प विराम नहीं लगाना है, और उसके बाद दिनांक या तिथि लिखी जाती है। दिनांक तो हम आज का ही दिनांक लिखेंगे। आज का दिनांक क्या है? 8/9/2021। उसके बाद लिखेंगे अपने दोस्त का नाम, लिखेंगे प्रिय रवि,
नमस्ते, उसका भी अभिवादन करेंगे तो नमस्ते से ही करेंगे। तो मित्र को या अपने से बड़े को प्रणाम या नमस्ते किया जाता है, तो आप अपने मित्र को भी नमस्ते से संबोधित करेंगे। अब हम चलते हैं, इसके बाद में कोई भी आपने देखा होगा, इस यहाँ तक हमारी ये पूरी लाइन है, यहाँ तक। अब यहाँ से शुरू करेंगे। तुम्हें ये जानकर प्रसन्नता होगी तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी, प्रसन्नता होगी कि पंद्रह सितंबर को मेरा इसके बाद हम मिटा करके लिखेंगे यहाँ तक। तो जहाँ तक लिखेंगे, जहाँ तक कि हमारा पेज खत्म नहीं हो जाता, यानी एक सीध में लिखा जाएगा। इसको फिर से ध्यान से देख लेते हैं। जो यहाँ पे पिंक लाइन होती है, गुलाबी रेखा होती है, उसी के साथ चिपका के लिखेंगे, तो हमारा खुद ब खुद ये जो है सब एक सीध में आता जाएगा। उसके बाद यहाँ तक लिखा जाएगा जहाँ तक कि हमारा पेज खत्म नहीं हो जाता। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा पेज खत्म हो गया, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम फिर मिटा के लिखेंगे, आप यहाँ तक इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद है, मैं इतना हिस्सा मिटा देता हूँ। तुम्हें ये जानकर प्रसन्नता होगी कि 15 सितंबर को मेरा जन्मदिन है, वो मेरा जन्मदिन है, इस दिन ये प्रश्न मिटा देता हूँ, मैं तो शायद कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो, तो प्रश्न हमने तो लिख ही दिया है, अब इसकी जरूरत भी नहीं, मिटा देते हैं। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 15 सितंबर को मेरा जन्मदिन है, इस दिन पिताजी ने शाम पांच बजे घर पर ही एक कार्यक्रम रखा है रखा है इस अवसर पर संगीत खेल
तथा खाने पीने का आयोजन है, आयोजन है इस दिन तुम्हें अवश्य आना है, इस दिन तुम्हें अवश्य आना है। फिर हम लिखेंगे धन्यवाद, धन्यवाद तुम्हारा मित्र। यहाँ पे पत्र लिखने वाला जो है वो अपना नाम लिखेगा, तो पत्र लिखने वाला जो लिखेगा यहाँ पे अपना नाम लिखेगा। सोहन, तो ये है हमारा कौन सा पत्र था, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है, मित्रों को लिखा जाता है, दोस्तों को लिखा जाता है, रिश्तेदारों को लिखा जाता है, तो माता पिता को भी अनौपचारिक पत्र ही लिखा जाता है, और जितने भी रिश्तेदार हैं आप और अपने मित्र उन सबको हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। औपचारिक पत्र मैंने बताया था वह किसी पद पर आसीन व्यक्ति को लिखा जाता है, जैसे स्कूल में प्रधानाचार्य को हमने लिखवाया था अभी आपको। तो ये दो पत्र का जो लिखने का फॉर्मेट है उसको आप जान गए। तो यहाँ पे कहीं भी अल्प विराम नहीं लगाते ना, हमने ऊपर लगाया था उसको जरा ध्यान में रखेंगे। और अब हम करेंगे एक पठित गद्यांश। पठित मतलब हमारे पाठ्य पुस्तक से आया है, उसे क्या कहेंगे, पठित गद्यांश। तो शुरू करते हैं, एक पठित गद्यांश हम शुरू करेंगे आज। आपको पता है परीक्षा में दो तरह के गद्यांश आते हैं, एक होता है पठित और एक होता है अपठित। तो पठित जो है वो हमारे पाठ्य पुस्तक से आता है, और ये मान के चलते हैं कि बच्चों ने अपने पाठ को पढ़ा होगा, समझा होगा। और एक और गद्यांश आएगा अपठित गद्यांश, तो वो हम कहेंगे वो बाहर से आएगा, हम उसका अभ्यास बहुत से करेंगे। तो इस पर हम पठित और अपठित गद्यांशों का अभ्यास करें। तो शुरू करते हैं हम अपना एक पठित गद्यांश जो हमारे पाठ्य पुस्तक से रहेगा, इसे आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और लिखेंगे अपने पठित गद्यांश। ये रहेगा पठित गद्यांश जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आपने गद्यांश पढ़ रखा है, आपके पाठ्यपुस्तक से हमने लिया है। तो हमारा ये है प्रश्न पहला,
निम्नलिखित, निम्नलिखित गद्यांश को, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें, दिए गए प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नों के उत्तर लिखें, तो इसे बच्चों साथ साथ नोट करते जाइए ताकि आपको इसका अभ्यास हो सके। तो मैं लिख रहा हूँ, गद्यांश को शुरू करता हूँ, आप भी साथ साथ इसे नोट करते जाइए। सावन का महीना था, आशीष भैया बड़े भैया के साथ, नेहा दीदी के घर, गया। अजमेर में, दीदी का बड़ा घर है, घर के आंगन में, नीम का आंगन में, पेड़ भी है। शाम का समय था, आकाश में काले काले मेघ छाए थे, आकाश में काले काले मेघ छाए थे, आशीष आंगन में बैठा, आशीष
आंगन में बैठा, आंगन में बैठा, दीदी से बातें कर रहा था, दीदी से बातें कर रहा था, तभी एक मोर, तभी एक मोर, एक मोर पेड़ से नीचे उतर आया, पेड़ से नीचे उतर आया, मोर मोर देखो दीदी मोर, मोर मोर देखो दीदी मोर, देखो दीदी मोर, कहते हुए, कहते हुए आशीष उसकी तरफ भागा, उसकी तरफ भागा, तो एक बार गद्यांश को हम पहले कम से कम 2-3 बार पढ़ना है। भले हमने ये पहले पढ़ रखा है, आपको पता भी हमारे पाठ से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है, लेकिन फिर भी हम इसे कम से कम 2 बार पढ़ेंगे। ये तरीका है, 2 या 3 बार हमें इसे कम से कम पढ़ना है ताकि हम इसे समझ सकें। कोई ये ना मान लेगा कि हमारे पाठ्यपुस्तक से लिया गया तो हमने पढ़ रखा है, अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ऐसी बात नहीं। तो मैं इसको 2 बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। सावन का महीना था, आशीष बड़े भैया के साथ नेहा दीदी के घर गया। अजमेर में दीदी का बड़ा घर है, घर के आंगन में नीम का एक बड़ा सा पेड़ भी है। शाम का समय था, आकाश में काले काले मेघ छाए थे। आशीष आंगन में बैठा दीदी से बातें कर रहा, तभी एक मोर पेड़ से नीचे उतर आया। मोर मोर देखो दीदी मोर, कहते हुए आशीष उसकी तरफ भागा। तो यह है हमारा गद्यांश, आपको समझ आ गया होगा किस पाठ से लिया गया है। तो एक बार और पढ़ देते हैं। सावन का महीना था, आशीष बड़े भैया के साथ नेहा दीदी के घर गए। अजमेर में दीदी का बड़ा घर है, घर के आंगन में नीम का एक बड़ा सा पेड़ भी है। शाम का समय था, आकाश में काले काले मेघ छाए थे। आशीष आंगन में बैठा दीदी से बातें कर रहा था, तभी एक मोर पेड़ से नीचे उतर आया। मोर मोर देखो दीदी मोर, कहते हुए आशीष उसकी तरफ भागा। तो ये था हमारा गद्यांश। अब दिए गए जो प्रश्न होते हैं उसके उत्तर हम करेंगे। तो कम से कम 2 या 3 बार आप पढ़ेंगे, इसे समझेंगे, भले आपने इसे पहले क्यों ना पढ़ रखा, और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के हम उत्तर करेंगे। तो प्रश्न है हमारा पहला प्रश्न है,
आशीष आशीष लिखेंगे या फिर कुछ भी आ सकता है प्रश्न। नेहा दीदी का घर, नेहा दीदी का घर कहाँ था? तो जगह, जब पूछा जाता है कहाँ था तो हमें जगह लिखना होता है, और हम जानते ही हैं नेहा दीदी का घर अजमेर में था, तो हम पूरा उत्तर लिखेंगे। कई बच्चे अजमेर लिख देते हैं, गलत है, हमें पूरा वाक्य लिखना है। नेहा दीदी का घर, नेहा दीदी का, ये उत्तर है, का घर अजमेर में है। अजमेर जगह का नाम है, अजमेर में था, अगर था है तो हम था लिख रहे हैं। अगला प्रश्न, हमारा दूसरा प्रश्न है, आंगन में या घर के आंगन में, कौन सा पेड़ लगा था, कौन सा पेड़ लगा था? तो पेड़ था नीम का, तो हम केवल नीम नहीं लिखेंगे, पूरा उत्तर लिखेंगे। घर के आंगन में नीम का पेड़ लगा था, नीम का पेड़ लगा था। तीसरा प्रश्न, ग, लिखो मेघ को, मेघ शब्द का समान अर्थ, समान शब्द का समान अर्थ वाला शब्द लिखो। तो इसमें जब शब्द लिखने के लिए कहा है तो अब हम शब्द ही लिखेंगे। तो मेघ को बादल भी कहा जाता है, मेघ को कहा जाता, क्या कहा जाता है, बादल। तो इसमें शब्द लिखने के लिए कहा था, समान अर्थ वाला आपको पता है, इसे समानार्थी शब्द भी बोला जाता है या फिर पर्यायवाची भी बोला जाता है। तो समान अर्थ वाला शब्द क्या है, मेघ का, बादल। तो ये ऐसे प्रश्न का एक शब्द में भी हम उत्तर लिख सकते हैं, जिसमें एक शब्द में उत्तर लिखने के लिए कह रहा है। अब हम आगे चलते हैं, इसे मिटा देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। अब हम अपने चौथे प्रश्न घ पे चलते हैं। घ, यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? किस पाठ से लिया गया है? तो कुछ बच्चे यहाँ पाठ संख्या लिख देते हैं, गलत है। कुछ बच्चे लिखते हैं पाठ संख्या 6 से लिया गया, नहीं, हमें पाठ का नाम बताना है, किस पाठ से लिया गया है, तो पाठ का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यह गद्यांश, जब ध्यान से देखिएगा बच्चे, यहाँ बहुत गलती करते हैं। यह गद्यांश मेरा दोस्त बनोगे, मेरा दोस्त बनोगे पाठ से लिया गया है, पाठ से लिया गया है। तो पाठ का
संख्या नहीं लिख देते, कुछ बच्चे लिख देते हैं छठे पाठ से लिखा गया है या पाठ छः से लिया गया, ये गलत है, हमें पाठ का नाम देना है। यह गद्यांश मेरा दोस्त बनोगे पाठ से लिया गया है, तो पाठ का शीर्षक हम लिखेंगे। तो बच्चों इसी तरह हम अपने और भी पठित गद्यांश जो है उसका अभ्यास करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।